इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कभी आपने महसूस किया है कि अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपने अगर गलती भी की है तो उसको मजाक के रूप में ले लिया जाता होगा, पर अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है और आपने मजाक भी किया तो उसको भी बहुत बड़ी गलती मान लिया जाता है। दोस्तों बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता, और बुरे वक्त में अगर आपने साहस और हिम्मत का अगर हिम्मत को कायम रख लिया, अगर साहस और हिम्मत के साथ आपने उस वक्त से लड़ा तो आप उस वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। तो इसलिए एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए। एक बार एक गधा मस्त अपना जंगल में घूम रहा था और उसको देखकर एक भेड़िए ने सोचा कि क्यों ना इस गधे को अपना आज का भोजन बनाया जाए, अगर मैंने इसको खा लिया तो 2-3 दिन तक मुझे भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो उसके सामने आ गया उसको खाने के लिए, तो वो गधा परेशान हो गया। तो वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई सबर जाता है, मगर आपको अपना संयम बना के रखना है और धैर्य पूर्वक उस वक्त से लड़कर उस वक्त को हराना है दोस्तों। तो वैसे ही उस गधे ने उस समय वो डरा नहीं और उसे भेड़िए से जाके बोलता है, मैंने कल रात में एक सपना देखा था और मेरे सपने में भगवान आए थे, उन्होंने कहा था कि कल कोई बहुत समझदार और बहुत ज्यादा होशियार एक जानवर तुम्हारा शिकार करेगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज वो मेरा सपना पूरा हो गया है, आज आप मेरे सामने आ गए हैं और आप इतने अक्लमंद हैं, पर आप मुझे खाने से पहले क्या मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? तो जब गधा उससे भेड़िए से ये सब बातें कहता है तो भेड़िया खुश हो जाता है कि भाई इसने मुझे होशियार कहा, इसने मुझे अक्लमंद कहा, तो अब भाई इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो उसने बोला, बताओ भाई तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? तो उस गधे ने बोला कि मैं आपको वो इच्छा तभी सुनाऊंगा जब आप मेरे पीछे खड़े होंगे। तो वो भेड़िया कुछ समझ नहीं पाया तो बोला, ठीक है चलो मैं तुम्हारे पीछे आके खड़े होता हूँ। जैसे ही वो भेड़िया उस गधे के पीछे आया, उस गधे ने जोर से पीछे से एक लात मारी और भेड़िया दूर जाके गिरा, और तब तक वो गधा भाग चुका था। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि उस गधे ने उस वक्त में जबकि उसका भेड़िया सामने खड़ा था, वो उसको मार सकता था, उसको खा सकता था, पर उस वक्त में भेड़िया घबराया नहीं, उसने बड़ी ही चतुरता से बड़ी ही धैर्य के साथ उसे लड़कर उसे बाजी मारी, और यहाँ तक कि यही नहीं कि भागा, वो भेड़िए को भी मात दी उसने। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में बुरा वक्त आपको कभी कभी वो फेस करा सकता है जो आपने अच्छे वक्त में कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए हमेशा हिम्मत और साहस के साथ काम कीजिए तो आप देखेंगे कि आप बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देंगे। थैंक यू।